स्वागत है आपका खबर 9 में और मैं हूं आपके साथ में प्रीति शर्मा। आगरमालवा यातायात प्रभारी सोनू बड़ गुजर द्वारा टीम गठित कर वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें फोर व्हीलर टू व्हीलर वाहनों के कागजात चेक किए गए तथा वाहन चालकों के लाइसेंस चेक किए गए। कागजात सही नहीं पाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। साथ ही वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया तथा समझाइश दी गई। वहीं यातायात प्रभारी द्वारा बताया गया कि हमने स्कूलों में जाकर सेमिनार लगाकर नाबालिग बच्चों को भी गाड़ी चलाने पर दंडात्मक कार्रवाई से अवगत कराया गया। नाबालिग बच्चों के लिए एक अभियान भी चला था दिसंबर में। नाबालिग बच्चों द्वारा जो वाहन चलाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने के लिए चालानी कार्रवाई की भी आगरमालवा में हमने, लेकिन स्कूल जितने भी स्कूल हैं आगरमालवा में खास टीचर तो वहाँ जाके बच्चों को समझाइश दिए कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई होगी, उनके पेरेंट्स के खिलाफ किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई होगी, इससे बच्चों को अवगत करवाया। कई सेमिनार भी रखे हैं हमने स्कूल में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के और उनको समझाइश दी कि इस तरीके से आप अपने वाहन ना चलाएं, साइकिल वगैरह का इस्तेमाल करें या फिर अपने पेरेंट्स को बोले कि स्कूल को ड्रॉप करें उन्हें। इस तरीके से कई सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, एक गुड मैसेज उन तक पहुँचाया है ताकि बच्चे अवेयर रहें और अगर वाहन चलाते भी हैं तो उनमें एक डर की नहीं यार, अगर हम छोटे हैं हमारे पास लाइसेंस नहीं है हम गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई पुलिस करे हमारी गाड़ी पकड़ ले, इस तरीके की एक समझाइश बच्चों को दी गई। राजेश शर्मा के साथ प्रदीप चौबे की आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9।